प्रथम तहलका न्यूज। कोरोना की महामारी के बाद जहां पूरे देश में डर का माहौल है, वही कोरोना वायरस को लेकर सावधानियां बरतते हुए बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने भी जनहित में कई फैसले लिए हैं। इस दौरान रतिया में भी बार एसोसिएशन के वकीलों ने कोरोना वायरस को देखते हुए 31 मार्च तक कोर्ट में वर्क सस्पेंड रखने का फैसला लिया है। इस दौरान अर्जेंट मैटर पर तो कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन नए किसी भी केस की सुनवाई नहीं होगी। इतना ही नहीं, कोर्ट में जाने वाले को हैंड वॉश करके ही कोर्ट में जाने की अनुमति है, जिसको लेकर कोर्ट के बाहर एक हैंड वॉश करने के लिए स्टॉल भी लगाई गई है। इस दौरान लोगों को कोरोना के लिए जागरूक करने के लिए यहां होर्डिंग भी लगाई गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए बार के अध्यक्ष और सदस्यों ने बताया कि जनहित में बार एसोसिएशन रतिया के सदस्यों ने फैसले लेते हुए 31 मार्च तक वर्क को सस्पेंड रखा है। जैसे भारत सरकार की हिदायत के अनुसार कोरोना वायरस महामारी घोषित किया जा चुका है, सारी स्टेट्स जो अपने राज्य हैं पूरी कोशिश बरत रहे हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इसके लिए पूरा सावधानी रखी है। जो भी क्लाइंट अंदर जाता है हैंड वॉश करके जाता है और जज साहब के साथ दूरी बनाए रखता है। अर्जेंट ओनली अर्जेंट मैटर ही सुनवाई हो रही है, बाकी रूटीन के मैटरों कोई सुनवाई नहीं। ये कब तक करेगा वर्क? 31 अभी तक 31 मार्च तक की हिदायत है, इस वायरस से बचा जा सके जब तक नया इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाती उस समय तक हमें यही वर्क सस्पेंड। बार की तरफ से जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की जो इंस्ट्रक्शन हमें प्राप्त हुई है, उस बेस पे ही हमने हमारा वर्क सस्पेंड किया हुआ है एज पर ऑर्डर ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। कितनी तारीख तक है ये? पहले 31st। जो पुराने केस हैं वो पुराने केस उनकी ऑटोमेटिकली ही इतना मतलब बाय कोर्ट अडजमेंट हो गए। प्रथम तहलका के लिए रतिया से सुनील कुमार की रिपोर्ट।